आपको मालूम है कि नहीं मालूम? कितने लोगों को मालूम है बताइए? क्या है आयुष्मान योजना? 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रहे हैं। देखिए इनको पता है 5 लाख तक का मोदी जी फ्री इलाज दे रहे हैं कितने लोगों को? अब मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं आपको, ये आयुष्मान योजना क्या है सुन लीजिए आप, क्योंकि भाजपा ही आपको ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। भाजपा ये कह रहे हैं कि अगर आपके घर में फ्रिज है और आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको प्रधानमंत्री जी इलाज की सुविधा नहीं देंगे, ठीक है? और क्या कह रहे हैं आयुष्मान योजना में? कह रहे हैं अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए है तो आपको स्वास्थ्य की सेवा प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। यानी आपके इस चौराहे पर जो भिखारी भीख मांगने के लिए खड़ा होता है लाल बत्ती पर, उसको अगर 500 रुपए रोज मिल गया भीख में तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भिखारी की हम स्वास्थ्य सेवा नहीं देंगे, वो 15,000 रुपए महीने कमा रहे। ये चाहिए आपको? ये चाहिए? कितने लोगों को ये चाहिए जरा हाथ उठा के बताओ। किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, हाथ दिखाओ भाई जरा। किसी को आयुष्मान योजना नहीं चाहिए। और दिल्ली की केजरीवाल की स्कीम क्या है तो क्या क्या बोल दिया? कह दिया अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपको आयुष्मान योजना में लाभ नहीं मिलेगा, जो 5 लाख की बात कर रहे हैं। फिर क्या कह दिया? आपके घर में अगर फ्रिज है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्या कह दिया? आपके घर में मोटरसाइकिल है, क्या कहते हैं उसको, स्कूटी अगर है, फटफटिया, अगर आपके घर में फटफटिया है तो भी आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और क्या कह दिया? अगर गलती से आपने लैंडलाइन का फोन लगवाया है घर में तब भी आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या क्या कह रहे हैं साहब, हमने 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना दे दिया और इसमें 5-5 आदमी का परिवार मान लीजिए तो 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना दे दिया, तो वाटर एवरीवेयर, ड्रिंकिंग वाटर नो वेयर, पानी हर जगह है लेकिन पीने का पानी कहीं नहीं है। हमने योजना जारी कर दी 100 करोड़ लोगों के लिए और नियम ऐसा लगा दिया कि एक भी आदमी को लाभ न मिल पाए। अब बताइए भिखारी को तो कम से कम लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब दिल्ली में क्या है न्यूनतम मजदूरी कितना किया भाई आप लोगों ने? 14,000 रुपए बताइए। क्या कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं केजरीवाल जी आपने 14,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी, दिल्ली में रहने वाले मजदूरों को हम आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देंगे। लेकिन केजरीवाल क्या कहते हैं? केजरीवाल कहते हैं अगर आप एयर कंडीशन बेहतरीन गाड़ी में घूमते हैं, अगर आपका पक्का मकान है, अच्छे बंगले में भी रहते हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, घर में ईश्वर न करे कोई बीमार हो जाए तो जितना इलाज में खर्चा होगा लाखों रुपए वो दिल्ली की सरकार देगी। ये है। अब बताओ आयुष्मान योजना चाहिए कि दिल्ली की हेल्थ योजना चाहिए? बताओ। कह रहे हमने 50 करोड़ आदमी को दे दिया योजना, भिखारी को नहीं दिया। अगर आपका पक्का मान तो मैं पक्का मकान तो उसको बताऊं नहीं बताऊं? अगर आपके नाम पे पक्का मकान है तब तो आयुष्मान योजना के बारे में भूल जाइए, एकदम नहीं मिलेगा। ये है आयुष्मान योजना। तो 5 आदमी के परिवार में 10,000 रुपए की आमदनी हो गई और 2,000 रुपए के एक एक आदमी के हिस्से में भी अगर आ गया गलती से तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो संसद में बैठने वाले हम लोगों की तनख्वाह 1,90,000 रुपए है, जहाज की मुफ्त सेवा है,
ट्रेन में एसी का पास है और जो सांसदों ने अपनी संपत्ति घोषित की है, अरबों करोड़ों की संपत्ति है, मोदी जी कह रहे हैं उन सारे लोगों को जो संसद में बैठे हुए गरीब हैं, उनके परिवार को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा दी जाए। आप बताइए, हम लोगों के लिए सेवा मुफ्त है और जो भिखारी है, मजदूर है, बेघर है, गलती से 10,000 रुपए कमा रहा है, उसको नहीं। तो इसका नाम आयुष्मान योजना पे मैंने इतनी लंबी बात आपसे इसलिए की कि अब अगर कोई भाजपाई आपसे आयुष्मान योजना की बात करे तो कहना तुम लोग देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो, अपने चेहरे पर तालिक लगा के घूमो, तुमने स्वास्थ्य सेवा नहीं दी है, तुमने आम आदमी को मूर्ख बनाने का काम किया है। इसको दावे के साथ आप लोग जाकर कहिएगा प्रचार की। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए टीवी के जो सहगल जी ने कहा, सन्नी सहगल नाम है ना आपका,